अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे, सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। रमज़ान का है अब एंड होने वाला है, तो बहुत दुख भी हो रहा है कि रमज़ान जा रहा है, और ईद की तो खैर खुशी से ज़्यादा रमज़ान के जाने का दुख हुआ करता है। बट फिर भी ये तो हमारे इस्लामी त्यौहार तो बहुत खुशी से ही मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारे जो मेरे सास ससुर का बड़ा घर है उसका सहन, और वहाँ पे बहुत सारे रोज़ फ्लावर्स लगे हुए थे। तो खैर अब तो खैर बहुत से फ्लावर्स देखें झड़ चुके हैं और टूट भी रहे हैं। और ये ना एक बहुत ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कश्मीर में इसे गरगल कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उर्दू में या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। ग्रेप फ्रूट की तरह एक बड़ा सा होता है लेमन टाइप, बट वो लेमन नहीं होता, येलो कलर का होता है, उससे अचार बहुत मज़े का बनता है। तो ये उसका पेड़ है, यहाँ पे ये फ्लावर्स हैं। और अफ्ताई से पहले हमारे मेरे हस्बैंड और देवर और जेठ सब क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे मैं गई थी जी बाज़ार ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मैंने कुछ ड्रेसेस ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे, बट फिर भी जब मैं बाज़ार गई तो मुझे दो सूट अच्छे लगे थे। कोई ब्रांड का नहीं है, मुझे नहीं पता किसी ब्रांड के या नहीं, क्योंकि कश्मीर में मुझे बहुत ज़्यादा शॉप्स का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा शॉपिंग जो है वो पिंडी से ही करती हूँ। ये मैंने एक शर्ट पीस लिया था, तो जब ये बन के आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत अच्छी सी इसकी फाइन सी लॉन है, स्मूथ सी, और ठंडा मुझे फील हुआ था इसे देख के, तो मैंने ये ले लिया था। वन पीस ही लिया है, इसमें बहुत से दूसरे भी कलर्स थे, तो बाद में जाके मैं एक और कलर भी लेके आई थी इसमें रेड। जैसे कि मैं आपसे कहा था कि घर तो मेरा नया, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें लेनी बाकी हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग करके भी आई थी। वैसे तो लॉकडाउन में जाना मना था, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ तो मुझे बैंक जाना था, तो बैंक जाके मैं कुछ चीज़ें लेके आ गई। जैसे लेमन स्क्वीज़र है, वो एक कटर है जिससे मैं प्याज काटा करती हूँ, और साथ में मैं तवा लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो तो फ्लैट सा तवा होता है उस पर जब पराठे बनाते हैं या ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो वो आपके चूल्हे का सत्यानाश हो जाता है। तो ये तवा मैं लेके आई, नॉन स्टिक है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है, 700 रुपीज़ में मिला है, क्योंकि अपने एक गाँव के एक जाने वाले थे तो उन्होंने कंसेशन कर दिया था। वैसे उन्होंने इसकी प्राइस 900 बताई थी, और है भी ये हैवी, तो अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये, कोई मतलब इसके स्क्रैचेस नहीं आए, इसकी बैक पे भी कुछ ख़राबी नहीं आई है। तो यहाँ पे अफ्तार की मैं तैयारी करने लगी हूँ, और मैं बनाऊँगी जी पोटैटो डोनट्स, जैसे चिकन कटलेट्स होते हैं या पोटैटो कटलेट्स होते हैं, सेम वही इसकी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने प्याज भी चॉप कर लिए हैं, ग्रीन चिलीज़ को मैंने मिंट के साथ चॉप किया, एक ब्रेड क्रम्स होममेड, आलू बॉयल करके रखे हैं, मैदा ले लिया है, और साथ में कॉर्नफ्लोर, एक अंडा, नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, और हल्दी है। तो इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आलू है उनको कद्दूकस कर लिया, इसमें चॉप्ड ऑनियन डालूँगी, स्क्वीज़ कर लिया था मैंने क्योंकि ऑनियन में पानी आ जाता है। ये जो घर का मिंट है ये नॉर्मली मिंट से थोड़ा सा डार्क कलर में होता है, और जब इसको मैं ग्रीन चिलीज़ के साथ चॉप किया था तो इसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया, पता नहीं क्यों, या शायद फिर कैमरे की लाइट की वजह से ऐसे नज़र आ रहा था। यहाँ पे जितने मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं मिक्स कर लूँगी। इसका बस ये इशू होता है कि ये थोड़ा सा पतला बनता है, क्योंकि आप इसमें एग ऐड करते हो तो ज़्यादा बेटर होता है अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेड क्रम्स डाल लें। तो मैंने जो रखे थे ब्रेड क्रम्स वो कम पड़ गए थे, बाद में थोड़े से ज़्यादा डाले थे। यहाँ पर मैंने एक एग तोड़ के डाल लिया है। इसके बाद इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं इनको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से कम्बाइन कर लूँगी। इस मिक्सचर को फिर मैंने तकरीबन 30 से 45 मिनट्स के लिए फ्रीज़ कर दिया था, ताकि जो इसमें नमी है थोड़ी सी वो ठीक हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो आपकी जो टिक्कियाँ या डोनट्स है वो इजीली बन जाते हैं। मेरे पास कोई कटर वगैरह था नहीं, तो मैंने यहाँ पे देखें अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया, ताकि आलू चिपके ना आपके हाथों के साथ। अगर इसमें चिकन हो रही तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है, चिपकता भी ना हाथों के साथ, बट क्योंकि सिर्फ आलू थे तो थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी ये बनाने में। तो यहाँ पे मैंने इसको स्मिड में होल कर लिया फिंगर के साथ, और इसको अच्छे से शेप दे लूँगी मैं, फिर सारे एक साथ बना के फिर मैंने इनको ब्रेड क्रम्स और एग के साथ कोट करके फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे मैं अपने ऑनियन को फ्राई कर चुकी हूँ, और इसमें ऐड करें जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि मुझे चिकन मैक्रोनीज़ बनानी थी। रेसिपी से शेयर करूँ कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी। प्याज को चॉप कर लिया मैंने एक लार्ज साइज़ का, और जब वो ब्राउन हो गया तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया,
ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि जब मैंने मैक्रोनीज बॉयल किए तो उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था। जो मैक्रोनी मैंने यूज़ किया है वो जो खुली मैक्रोनीज होती हैं पर केजी के हिसाब से मिलती है वो यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने चिकन को क्यूब्स में काट लिया था, विद बोन चिकन आई थी तो मैंने उसी में से निकाली थी, चिकन ब्रेस्ट थे तो थोड़ी थोड़ी सी बोन्स भी आ गई हैं। शिमला मिर्च को चॉप किया, एक टोमेटो ले लिया मैंने, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से बाउल है, एक में चिली सॉस है, दूसरे में कैचअप है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कैचअप वगैरह मैंने नहीं डाला था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले रेड चिलीज ऐड कर दी हैं, साथ में थोड़ी सी हल्दी थी और फिर सॉल्ट ऐड किया था। यहाँ पे शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं तो इनको मैं अच्छे से पका लूँगी। साथ में डाल दिया मैंने चॉप्ड टोमेटोज और इनको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी मैक्रोनीज बनाती हूँ तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर आ गया। तो यहाँ पे देखिए ना मसाला भून चुका है तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चिल्ली सॉस ऐड कर दिया मैंने और साथ ही मैं ऐड कर लूँगी कैचअप और इनको मिक्स कर लूँगी। ये हैं जी मेरी बॉयल्ड मैक्रोनीज, आप देखें इनमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं है, बस मैंने एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार ली थी। यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की सी आंच पे दम पे छोड़ देते हैं ताकि जो है सारा मसाला उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जो सारा टेस्ट है जितना भी उसका होता है वो अपने अंदर समा जाए, रच बस जाए उसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ अभी। इधर मैं फ्राई करने लगी थी अपने डोनट्स को तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। एक एग ले लिया था मैंने, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर लिया, इसको अच्छे से विस्क कर लिया स्पून के साथ ही। और आप तो ब्रेड क्रम्स सेक रहे साथ में, वो भी होममेड ही है क्योंकि ब्रेड्स बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम मैंने यूज़ कर ली तो उसके जो किनारे बच गए थे तो वो मैंने फेंके नहीं थे। तो यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े। पकौड़े तो डेली हमारे इसी तरह से बनते हैं और बहुत डिलीशियस बनते हैं, और पकौड़ों की कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि सबको पकौड़े बनाते थे, सबका अपना स्टाइल होता है। तो ये हमारी सारी फ्राई जोन से रेडी हो चुकी है। फ्राई होने के बाद देखें डोनट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रही मैक्रोनी, साथ में दही भल्ले या दही फुल्कियाँ क्या लें आप वो हैं, और साथ में थी फ्रूट चाट। और फलों का बादशाह बाज़ारों में आ चुका है, बस थोड़ा सा खट्टा है तो अभी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है तो खाया नहीं जाता, पर मैं फ्रूट सैलड में ज़रूर मैंगोज़ को ऐड कर लेती हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।